Good morning, friends. Today I am going to discuss on new topic, alcohol, phenol and ether. First topic, organic chemistry का hello alkene and hello aline लगभग finish हो गया है. कुछ NCERT की exercise में रह गई हैं, वो आपको continue रहेंगे. क्योंकि आज से हम lecture चालू कर रहे हैं alcohol, phenol और ether पर. ये बहुत बड़ी unit है, most important है. पहले हम पूरे topic को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको. इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन, चाहे जी एडवांस हो या नीट हो, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे. बस आप नियमित रूप से वीडियो को देखते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताते रहिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और उसमें आप क्या संशोधन चाहते हैं, मुझे जरूर बताइएगा. तो चलिए आज हम सबसे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैं बहुत पहले देख चुका हूं उसका, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए. अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें फर्स्ट में मैंने क्लासिफिकेशन, सेकंड में आपको उनके आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम और जेनेरिक नेम सिखाए हैं. उसके बाद लेक्चर 3 होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. तो इस प्रिपरेशन को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं. सबसे पहला प्रिपरेशन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन है, जिसका सारी बारीकियां मैं आपको आज बताने वाला हूं, और वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले आप ये ध्यान जान लीजिए कि हमें यहां पर एल्कीन टू एल्कोहल प्रिपेयर करना है. तो इस रिएक्शन की सबसे पहले, तो अगर आप 12th क्लास में एंटर कर रहे हैं या आप 11th क्लास में, दोनों में काम आएगी ये रिएक्शन. पहले एक सिंपल रिएक्शन आपको बताता हूं और सिंपल रिएक्शन के बाद आपको क्या क्या एस्पेक्ट की जरूरत है, सिस्टमेटिक देखते रहिएगा. तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं, कोई भी एल्कीन ले लीजिए, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका हाइड्रेशन कर दीजिए प्लस H3O पॉजिटिव. इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट H2SO4 और हीट. तो इस कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH फाइनल एल्कोहल में. ये डायरेक्ट रिएक्शन है, इससे एल्कोहल बनाया जाता है. अगर इससे बड़ी रिएक्शन हम लें, जैसे मान लीजिए CH3CH3C डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप की रिएक्शन अगर आपके पास है और आपको इसका क्या करना है, हाइड्रेशन करना है, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 लो या डाइल्यूट H3PO4, दो में से कोई भी ले सकते हो. वैसे इसका टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, ऐसे भी लिख सकते हो. तो इसमें आप मार्क वाली कॉप रूल लगा दीजिएगा, और अगर रीअरेंजमेंट की जरूरत है तो रीअरेंजमेंट भी करिएगा. तो मार्क वाली कॉप भी रूल लगेगा, साथ में अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट भी आपको करना होगा. तो मार्क वाली कॉप रूल के हिसाब से ये पाई वन कहां से कहां ट्रांसफर होगा, यहां पर ट्रांसफर होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर कौन मिल जाएगा, वाटर का OH. तो यहां पर जो रिएक्शन बनेगी वो होगी CH3 फिंगर बॉन्ड, CH2 क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और यहां पर आके OH बन जाएगा. ये था आपका आइसो सॉरी ये था आइसो ब्यूटीन और ये क्या बन गया,
टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये सिंपल 12th क्लास की रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन को आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर रिएक्शन हो कैसे रही है। इसको बता रहा हूं मैं आपको, इसकी मैकेनिज्म सीख लीजिए कि रिएक्शन आखिर होती कैसे है। देखो मैकेनिज्म में सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि अगर डाइल्यूट यानी डाइल्यूट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये चू लिया है, तो ये H2SO4 जो है ये वाटर से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा इसका जो कंजुगेट बेस है ये वीक होगा, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर से तो ये H3O से रिएक्शन करेगा। कौन? जो एल्कीन आपने लिया है, ये एल्कीन जैसा होगा उसी तरीके से रिएक्शन हम अरेंज करेंगे। तो दो बातें इसमें याद रखना कि नंबर एक तो इस पर फॉलोइंग मार्कोनिक ऑफ रूल विद रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना है। अगर रीअरेंजमेंट संभव है तो आप रीअरेंजमेंट भी रिएक्शन करिए। मैं दोनों ही आपको बताऊंगा, विदाउट रीअरेंजमेंट वाले रिएक्शन, एक रीअरेंजमेंट वाले रिएक्शन, और उसके बाद में अगर कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर है तो रिंग एक्सपेंशन, ये तीनों आपको सीखना है इसमें। तो क्या क्या देखना है इसमें? नंबर एक तो आपको मैं सिखाने वाला हूं मैकेनिज्म, पहली चीज। दूसरा इसका सिखाऊंगा मैं आपको रीअरेंजमेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और थर्ड चीज में आपको सिखाऊंगा रिंग एक्सपेंशन। ये तीनों रिएक्शन आपको बताने वाला हूं मैं इसके साथ में। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में इसका यूज मैंने आपको बता दिया, H3O पॉजिटिव कैसे यूज होना है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड सी ABCH3 डबल बॉन्ड CH2 राइट। अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं प्लस H3O पॉजिटिव, ए एच और यहां पर भी ए एच, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पर कितना लोन पेयर होगा? 1 लोन पेयर होगा, देख लीजिएगा। ये पाई बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इस प्रोटॉन को यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगी, ठीक है। तो यहां से ये प्रोटॉन यहां पर आकर के जुड़ जाएगा राइट। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होंगे तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए रिएक्शन ऐसे होगी, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि ये स्लो स्टेप है, ठीक है। तो
तो अब देखिए क्या पोजीशन होगी, ये बनेगा CH3 CCH3। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इस C के पास, और ये सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। समझ में आ गया होगा, यहां से चला। अब हमारे पास ये क्या बचा, H2O। जब ये H यहां प्रोटॉन इधर चला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस H2O। और इस O पर आप कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। ये फर्स्ट स्टेप है आपकी। ये जो कार्बोकैटायन बना, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, मोस्ट स्टेबल है, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं। ये हमारी रही सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होना है, हम वाटर की रिएक्शन कराएंगे इससे, OH2। यहां पर 2 लोन पेयर हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहां इस कार्बन पे आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर देख लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C के पास कौन जुड़ जाएगा, OH2, और OH2 जब यहां जुड़ेगा तो कौन सा चार्ज आएगा इस पे, पॉजिटिव। ओके, और यहां पर नीचे आगे क्या है, CH3 और नीचे भी CH3। बहुत ही सिंपल स्टेप है, बड़े आसानी से आप लिक्स बना सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, लिख दीजिए इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब इसके हम आगे फिर रिएक्शन कराते हैं वाटर से। ये रहा वाटर और ये हमारे रहे यहां पर इसके लोन पेयर। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये है हमारा प्रोटॉन, इसी नाम वजह हमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को फिर अट्रैक्ट करेंगे अपने आप, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये एच इधर आ जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा, देख लीजिए CH3 CCH3 CH3, और ये क्या रह जाएगा, OH। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन पर वापस आ गया, राइट, और ये क्या बनके निकल जाएगा, H से बनके H3O पॉजिटिव, जो यहां पर यूज किया गया था, जो H3O पॉजिटिव लिया था, ये देखो जैसा का जैसा बाहर निकल जाता है, और हमारा मेन कंपाउंड जो हमने पहले बनाया था यही बन गया, इसे बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये हमारा मेन कंपाउंड बन जाता है, ये कहलाती है हमारी मैकेनिज्म। तो आप बार बार को आप लगा दीजिए, मैकेनिज्म आपकी समझ में आ गई होगी, लेकिन इस रिएक्शन में कहीं भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो रीअरेंजमेंट होने के लिए हमें एक कंपाउंड बदलना पड़ेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड हो जिसका रीअरेंजमेंट करना पड़े, ऐसी रिएक्शन में आपको सिखाने वाला हूं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अभी आपने क्या सीखा, मैकेनिज्म एल्कीन टू अल्कोहल हाइड्रेशन की रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में आपने ये बनाना, जब आपने मैकेनिज्म सीख ही लिया, हमें डायरेक्ट रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी कॉम्पिटिशन में, लेकिन मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी होती है, इसलिए मैंने आपको समझाया। अब इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन देख लीजिए, इन एल्कीन टू अल्कोहल। एल्कीन से अगर अल्कोहल बनाना है तो रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा और कब होगा, ये हमें आपको पहचानना दिखाना है।
3 CH3, single bond CH, double bond CH2, इस टाइप का एक बॉन्ड मेरे पास है, राइट। इसको हमें ना का नाम लिखें तो क्या नाम होगा, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे इसको, 3-3-dimethyl-but-1-ene। ये कंपाउंड का हमें क्या करना है, हाइड्रेशन करना है, तो हम सबसे पहले किससे रिएक्शन कराएंगे, H3O पॉजिटिव, इस तरह। तो वही प्रोसेस होगी जैसा मैं मार्कोनी को मैं लगाने को बोल रहा हूं, तो ये बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो H का मान जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, इसका जो अभी मैकेनिज्म में आपको बताया आपको समझ गए होंगे, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखिए CH3 C CH3 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड C और इसका पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या होगा, सॉरी यहां पर ये H और लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। ये आपका कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन कहीं बन रही हो कि अगर हमें हाइड्राइड शिफ्ट करके या मिथाइल शिफ्ट करके अगर इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो तो हमें वो बनाना होगा, पहले वाले रिएक्शन में ऐसा नहीं था, तो इस मतलब कि इससे जुड़ा हुआ, यहां पर अगर देखते हैं तो एक तो हाइड्रोजन अगर यहां से शिफ्ट करते हैं यहां पर तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, और अगर मैं यहां से इस कार्बन से मिथाइल शिफ्ट करता हूं तो यहां पर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो मैं यहां से ये मिथाइल जो दिख रहा है आपको ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। तो देखिए ये कंडीशन क्या बनेगी, ये इसे लिखेंगे 1-2-methyl-shift, 1-2-methyl-shift, और 1-2-methyl-shift करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन इसमें बनने वाली है, ग्राइंड पर देख लीजिएगा, देख लीजिए, बीच में कोई डिस्टर्ब करने आ गया था, मुझे बीच में रोकना पड़ा वीडियो को, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कन्वर्ट होगा, जैसे ही 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे हम तो यहां से यहां देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये यहां से CH3 यहां चला गया तो ये क्या हो जाएगा CH और CH3 और आगे भी CH3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आपको चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। तो यहां पर मिथाइल शिफ्ट मुझे इसलिए करना पड़ा कि मुझे इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिला, और इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ओके। 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लिया, अगर नहीं हो रहा होता तो नहीं करते, रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, ये हमें अपनी मेमोरी का यूज करना है। तो अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, अब क्या करना है हमें, अब हम इसमें और वाटर की रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या होगा, OH आकर के पॉजिटिव चार्ज पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3 C CH3 CH CH3 CH3 और यहां पर एक जुड़ जाएगा OH, तो ये इसका ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर चाहो तो इसका नाम भी एक बार लिख सकते हैं, ये नाम निश्चित है आपकी, काउंटिंग आपको यहां से करना होगी 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 2-3-dimethyl
2,3-dimethyl butane to all. That is the product. ये आपका है rearrangement, यानी आपने जो hydration पढ़ा है alkene का, और इस hydration में सबसे पहले reaction कराइए, उसकी mechanism सीख लीजिए, उसके बाद इसका rearrangement की कैसे जरूरत पड़ेगी, कब होगा, आपको दिखाई दे रहा है अगर 2 degree आपके पास कंपाउंड बन रहा है और 3 degree अगर बगल वाले कार्बन से अगर कोई मिथाइल हाइड्रोजन शिफ्ट करके या फिनाइल शिफ्ट करके अगर बड़ा कार्बोकैटायन यानी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो आप उसे शिफ्ट कीजिएगा और उसके बाद में वाटर से रिएक्शन करा करके वो जोड़ दीजिए. वो कैसे जोड़ा गया मैकेनिज्म में मैंने आपको सिखाया. लेकिन इसके अलावा भी इस पर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन और भी बन सकता है. वो है जिसे आप कह सकते हो जैसे कोई साइक्लो एल्केन है तो साइक्लो एल्केन में एक बार रिंग छोटी रिंग से बड़ी रिंग वाला एल्कोहल बन जाता है. इसे बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन. तो रिंग एक्सपेंशन की जस्ट इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा. जरा इसको नोट कर लीजिए. अब देखिए अगले रिएक्शन में आपको सिखाने जा रहा हूं इसी वाले पार्ट में रिंग एक्सपेंशन. एडवांस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है. अच्छे से देखना तीनों पार्ट मैंने आपको सिखाए हैं. सिंपल 12th के लिए, मेंस के लिए और उसके बाद एडवांस के लिए. नीट तो बीच में आ ही जाता है. नीट में से कोई क्वेश्चन बाहर होना ही नहीं है. तो रिंग एक्सपेंशन कब और कैसे होगा ये आपको मैंने कुछ अलग से वीडियो बनाया उसमें भी बहुत अच्छे से सिखाया है. यहाँ पर दोबारा से देख लीजिए कि कहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है. मान लीजिए इस टाइप का एक रिएक्शन में ले रहा हूं. एक साइक्लो ब्यूटेन है और इसमें मैं यहां पर डबल बॉन्ड लगा देता हूं. इस टाइप का ही कंपाउंड है आपके सामने. ठीक है, एल्कीन हो गया है, साइक्लो एल्कीन टाइप का कंपाउंड है और इसका हमें क्या करना है, रिएक्शन कराना है. H3O पॉजिटिव की इसको ऐसे भी लिखा जाता है डाइल्यूट H2SO4 और वाटर. कैसे भी लिख सकते हैं. तो अब क्या होना है, सेम मार्क वाले को आप रूल पहले लगा दीजिए. पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर डाल दो. राइट, तो क्या होगी कंडीशन देख लो. ये यहां पर क्या हो गया CH3 और इस पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज. क्लियर, बिल्कुल सेम रिएक्शन वैसे ही चल रहा है. अब रिंग के पास में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है ऐसा तो रिंग एक्सपेंशन होगा ही 100%. ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये रिंग ब्रेक होगी यहां से, ये रिंग यहां से ब्रेक होगी और ये बॉन्ड यहां से आकर के इस पर जुड़ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर. ठीक, जब ऐसी कंडीशन है तो देखिए क्या बनने वाला है. ये देखिए, अब यहां से मुझे यह हटाना होगा इस टाइप से और ये यहां से यहां जोड़ना है तो ये यहां पर जोड़ दीजिए और ये हमारा यहां से यहां जोड़ जाए. ये देखिए, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहां पर आ गया और CH3 जो जहां जुड़ा हुआ है वहीं जुड़ा रहेगा यानी मिलता है. देखिए रिंग ब्रेक करके इस टाइप का कंपाउंड आपको दिखाई देगा. ऐसे रिंग ब्रेक की जाती है और रिंग जब ऐसे ब्रेक करेंगे तो अब इसमें हमें आपको अभी रीअरेंजमेंट सिखाया था. रीअरेंजमेंट कब होता है, जब हमें कोई कार्बोकैटायन है उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा हो तो हमें रिंग एक्सपेंशन करते हैं या रीअरेंजमेंट करते हैं. तो देखिए ये जो कार्बोकैटायन है ये 2 degree कार्बोकैटायन है.
और यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन रहता है यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेसिफिक कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए इस रिएक्शन को मैं ऐसे आपको सिखाऊंगा, इसमें लिख दो वन टू हाइड्राइड शिफ्ट, यानी हाइड्रोजन यहां से यहां पर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो देखिए ये रिएक्शन आपको कैसे दिखेगी, सॉरी अभी इसको मैं हटाऊंगा, ये देखिए ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहां पर इससे मिथाइल अटैच है, यहां से यहां पहुंच गया। तो अब देखो ये जो कार्बो कैटायन है अब कैसा है, ये कार्बो कैटायन हमारा 3 डिग्री का है, मोर स्टेबल हुआ क्या नहीं, मोर स्टेबल 2 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए यहां पर रिंग एक्सपेंशन भी होना है, रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, सारी चीज हो रही है, सेटिंग हो रही है, तो बस अब इसकी जो रिएक्शन होगी अब क्या करेंगे, अब हम हाइड्रेशन कर देंगे, तो OH कहां घुस जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पर, तो ये कंपाउंड हमें ये दिखेगा, ये देखिए यहां पर CH3 पहले से लगा हुआ है और कौन जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड आपका बन जाता है। इस कंपाउंड को अगर देखें, ये तो हमारा रियल वे में बताया है, लेकिन इसको हम बैलेंस करके देखें कि इस हमें कैसा दिखेगा सिंपल वे में, तो इसको हम ऐसे 3 लाइन ऐसी समरूपता की लगा के दिखाइए, इस स्ट्रक्चर में देखो 1 2 3 4 5, तो इस स्ट्रक्चर को अपन ऐसे बना सकते हैं 5 कार्बन का, जो हमें समझने में आ जाता है बड़ी आसानी से, देखिए इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, और इसमें यहां पर ये OH लगा हुआ है और यहां पर ये CH3 लगा हुआ है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन और मेजर प्रोडक्ट भी यही है। इसमें बस इतनी सी बात आप याद रखना है, जैसे मैंने ये सेटिंग यहां से की है, अगर इस शिफ्टिंग में यार यहां से भी कर सकता था रूल्स के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ से, लेकिन यहां से जब अगर मैं शिफ्टिंग करता हाइड्रोजन, तो फिर से 2 डिग्री कार्बो कैटायन बन जाता, जो कि मेजर प्रोडक्ट नहीं होता। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए अगर 2 से 3 डिग्री कार्बो कैटायन अवेलेबल है तो वो मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। तो इसलिए हमने शिफ्टिंग कहां से की है, यहां से की है, और आपकी सारे स्टेप आपके सामने है। इस स्टेप को मैंने मैकेनिज्म का यूज करके और डायरेक्ट आप बनाना इससे सीख सकते हैं, मस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। ये 4 कार्बन की रिंग थी और आज अभी इसके पास 5 कार्बन रहता है। तो इस टाइप से हम मेजर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट प्रिपरेशन है एल्कोहल फिनॉल ईथर की, जिसको तैयार कर लीजिए, वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, लगातार देखते रहिएगा और अपने कमेंट मुझे भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।